प्रीतम, रवि, तुम लेट क्यों आई? और क्या नाम है तुम्हारा? रोशनी। नाम क्यों नहीं लिखा है? अक्षरों से पहचान कभी न हुई, पर पढ़ लिख के कुछ करने की चाह हमेशा से थी। जब माँ को ये बात बतलाई तो माँ बोली, बेटी को क्यों पढ़ना, ब्याह करके घर ही तो है संभालना। गाय से दूध निकालना, बाव से पानी भरना, मुन्ने को संभालना, खाना पकाना, यही तो है पूरी ज़िंदगी करना। फिर किताबों के अक्षरों से क्या है उसका लेना देना। ऐसे ही दिन बीते और गुजरे साल गई। ना मैं स्कूल गई, ना की कभी पढ़ाई। टीचर जी, अक्षरों से मेरी पहचान कभी न हुई। रोशनी, अक्षरों से सिर्फ पहचान नहीं, दोस्ती होगी तुम्हारी। ज्ञान की दुनिया ले जाएगी किताबों की सवारी। बेटा, पढ़ लिख के तुम निभाना अपनी जिम्मेदारी, और अपनी रोशनी से रोशन कर देना ये दुनिया सारी। बच्चों, आज हम जानेंगे सौर ऊर्जा के बारे में। सूरज से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा बोलते हैं। अच्छा ये बताओ, ये ट्यूबलाइट कौन से ऊर्जा से प्रकाशित होती है? बिजली से। सही जवाब। तो पहले हम जानेंगे सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित किया जाता है। सौर किरणों को इकट्ठा कर उसे बिजली में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ऐसे सोलर पैनल्स द्वारा होती है। सोलर पैनल्स सोलर सेल से बनता है, और यह सेल सिलिकॉन से बनते हैं। सिलिकॉन सोलर सेल में दो तरह की लेयर होती है, एन टाइप, इस लेयर में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पी टाइप, इस लेयर में ज़्यादा होल्स होते हैं। एन टाइप लेयर ऋण प्रभारित होती है और पी टाइप लेयर धन प्रभारित होती है। इस वजह से जहाँ पर ये दोनों लेयर जुड़ती है वहाँ इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे के करीब आते हैं, उसे पीएन जंक्शन कहते हैं। सूरज की रोशनी में मौजूद असंख्य फोटोन जब तीव्रता से सिलिकॉन लेयर पर गिरते हैं तब इलेक्ट्रॉन होल से अलग हो जाते हैं। यह अस्थिर इलेक्ट्रॉन बाह्य सर्किट में प्रवेश करते हैं, और जैसे कि ये बल्ब प्रज्वलित करने का काम करते हैं, यह ऋण प्रभारित इलेक्ट्रॉन सर्किट से होते हुए फिर से पी टाइप लेयर के होल्स में जा बचते हैं। यह तो प्रक्रिया थी, अब सौर ऊर्जा के लाभ के बारे में जानते हैं। हमारे देश में 70% आबादी गाँव में रहती है, और बहुतांश गाँव में आज भी बिजली नहीं है। ऐसे में ऊर्जा के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, पर जिससे वातावरण प्रदूषित होता है। इसके विपरीत है सौर ऊर्जा, जो ऊर्जा का स्वच्छ और कभी खत्म न होने वाला स्रोत है। बच्चों, अभी हम सौर ऊर्जा पर चलने वाले एक आविष्कार से मिलते हैं। ये क्या है? ये सोलर लैंप है बाबूजी। कैसे काम करता है? अरे, सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ऐसे सोलर पैनल्स द्वारा होती है। सोलर पैनल सोलर सेल से बनते हैं, और वो हाँ सिलिकॉन से बनते हैं। सिलिकॉन सोलर सेल में दो तरह की लेयर होती है, जिस लेयर में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे एन टाइप लेयर, और जिस लेयर में ज़्यादा होल्स होते हैं उसे पी टाइप लेयर कहते हैं। एन टाइप लेयर ऋण प्रभारित होती है और पी टाइप लेयर धन प्रभारित होती है। जहाँ पे ये दोनों लेयर जुड़ती है उसे पीएन जंक्शन कहते हैं। सूरज की रोशनी में मौजूद असंख्य फोटोन जब तीव्रता से सिलिकॉन लेयर पे गिरते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल से अलग हो जाता है। ऐसे अस्थिर इलेक्ट्रॉन बाह्य सर्किट में प्रवेश करते हैं और ये एलईडी प्रज्वलित करते हैं। समझे मुन्ना? देखिए जी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, रोशनी को स्कूल भेजो।
देखना, अब मेरी बेटी पूरे गांव में अपनी रोशनी फैलाएगी। रोशनी दिल कली अपनी ख्वाबों में गुम कली।